नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल परंबर मैन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तक हमने जितनी भी वीडियो बनाए हैं उसमें हमने ज़्यादातर करके बाथरूम फिटिंग के बारे में ही आपको समझाया है, सीपीवीसी पाइप के बारे में समझाया है और टंकी कनेक्शन के बारे में समझाया है और जो 4 इंची का HW पाइप का जो फिटिंग होता है PVC का उसके बारे में मैंने बहुत कम ही समझाया है। तो आज मैं इस वीडियो में HW पाइप का जो फिटिंग होता है उसी के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे सामने ये 4 इंची पाइप का फिटिंग किया हुआ है। दोस्तों, जब भी कभी आप नाली का कनेक्शन करते हैं तो जो ग्राउंड फ्लोर का कनेक्शन होता है उसका स्पेशल कनेक्शन होना चाहिए और उसके बाद आप जितने फ्लोर पे कनेक्शन ले जाते हैं, चाहे वो 1 फ्लोर का हो, 2 फ्लोर का, 4 फ्लोर का, 10 फ्लोर का, चाहे जितना भी फ्लोर का हो, जितना भी बड़ा मकान हो, उसका कनेक्शन स्पेशल ले जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राउंड फ्लोर का जो कनेक्शन होता है वो ज़मीन से मिट्टी निकालने के बाद किया जाता है और उसके बाद जितना भी फ्लोर होता है उसका कनेक्शन दीवार से ही जाता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों मेरे सामने, ये हमारा 4x3 का रोड्यूसर है। यहाँ पर 3 इंच का शॉर्ट बैंड लगाया हुआ है और यहाँ पर 4 इंच का प्लेन बैंड लगा के हमने एक कनेक्शन निकाला हुआ है। ये जो हमारा कनेक्शन है वो ऊपर ग्राउंड फ्लोर के बाद का जितना भी किचन का कनेक्शन होगा वो स्पेशल इस लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। ये हमारा किचन है ग्राउंड फ्लोर का और उसके बाद का जो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितने भी फ्लोर पर किचन का कनेक्शन होगा वो इसी लाइन से कनेक्शन होगा, ठीक है। और ये जो हमारा देख रहे हैं आप, ये हमारा 4 इंच का प्लेन वाई लगा हुआ है, सिंगल वाई लगा हुआ है। इससे हमने एक कनेक्शन निकाला हुआ है बाथरूम के लिए, जो वेस्ट वाटर का होता है, जो हम बाथरूम में नहाने या हाथ पैर धोने के लिए यूज करते हैं उस पानी को निकालने का काम ये पॉइंट करेगा, ठीक है। और इसी पॉइंट से हम दूसरा पॉइंट निकाले हैं जो कि आपका ग्राउंड फ्लोर का जो किचन है उसके लिए पानी निकलेगा इससे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि किसी भी बिल्डिंग में जब हमारा डक बना हुआ होता है तो उस डक में पानी निकलने के लिए एक्स्ट्रा ट्रॉप दिया जाता है, तो ये हमने ये एक्स्ट्रा ट्रॉप डाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कभी बारिश के दिनों में बारिश होगी तो इस डक में पानी भर जाएगा। अगर हम एक्स्ट्रा ट्रॉप नहीं डालेंगे डक के लिए तो हमारा डक पानी से भर जाएगा और फिर पानी निकलना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, कभी भी आप 4 इंच का काम करें और किसी डक्ट में काम करने जा रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा ट्रॉप डालना न भूलें, इससे हमारा डक्ट का सारा पानी निकल जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको दिख रहा है तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो हम आपको करीब से वीडियो करके दिखलाने वाले हैं। ये देख रहे हैं कि हमने जूमिंग करके इसी को दिखलाया है और ये हमने ग्राउंड फ्लोर के लिए स्पेशल लाइन निकाला हुआ है और फिर ऊपर भी जितना भी फ्लोर बनेगा उसके लिए हमने स्पेशल लाइन निकाला हुआ है। अब हम आते हैं बाथरूम के कनेक्शन की तरफ। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक, अभी 4th फ्लोर का बिल्डिंग बनना बाकी है इसमें, सॉरी दोस्तों, अभी 4th फ्लोर बनना बाकी है इसमें। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का लाइन ये दिया हुआ है जो कि पानी का लाइन है, वेस्ट वाटर का लाइन है जो बाथरूम में कनेक्ट किया जाएगा। और ये हमारा टॉयलेट का लाइन है, यानी लाइटिंग का सीट जो लगाया जाता है, इंडियन टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट, उसका लाइन यहाँ पे फोकस किया हुआ है। दोस्तों, हमने कैमरा पूरा फोकस करके इसमें दिखाया है कि ये हमारा टॉयलेट का कनेक्शन है और ये हमारा बाथरूम का कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है वो सीधा सीधा टॉयलेट के सेप्टिक टैंक में जाएगा और ये जो कनेक्शन है चैम्बर द्वारा होते हुए बाहर नाले में मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम जब भी 4 या 5 पाइप से कनेक्शन निकालते हैं तो वहाँ पे हमें कोई फिटिंग लगाने के बजाय हम एक चैम्बर डालते हैं। तो चलिए उस चैम्बर की तरफ हम फोकस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा चैम्बर बनाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई फिटिंग कनेक्ट करने में बनेगा नहीं। तो जैसे ही हम कोई फिटिंग कनेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम भी आएगा और यहाँ जाम भी हो सकता है, तो यहाँ पर चैम्बर देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए अब हम बाथरूम के अंदर का वीडियो दिखलाएंगे और हमने 4 इंच का पाइप किस तरह से और कैसे कैसे किया है वो भी हम आपको देख लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हमने जो ये टॉयलेट का पाइप आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा टॉयलेट का पाइप है जो सीधा सीधा सेप्टिक टैंक में चला गया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया दोस्तों कि हमने इसका काम करवाने के बाद थोड़ा सा मिट्टी डलवा दिया है, लेकिन फिर भी
थोड़ा सा पाइप ओपन रह गया जो सेफ्टी टैंक की तरफ जा रहा है। अब हम टॉयलेट के अंदर आ गए दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में अटैच लैट्रिन बाथरूम का कनेक्शन चला हुआ है। फिलहाल यहाँ पर लैट्रिन अलग है और बाथरूम अलग है। वैसे तो ये बाथरूम अटैच ही है लेकिन बीच से एक दीवार लगाया हुआ है। तो ये हमारा इंडियन टॉयलेट का पोजीशन है और ये हमने इस पाइप को अंदर लाते हुए इसी पाइप को हमने सेफ्टी टैंक में जोड़ दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन हमने जो डक्ट में 4 इंच का प्लेन वाई डाला है, ठीक उसी वाई का ये पोजीशन है जो हमने यहाँ पे पी ट्रफ लगा के बाथरूम के वेस्ट वाटर के लिए जो कनेक्शन निकाला है वही कनेक्शन है ये। दोस्तों थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमने इस पी ट्रफ का लोकेशन अच्छे से नहीं दिखा पाया। फिलहाल अब मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये हमारा जो 4 इंच का प्लेन वाई लगा हुआ है डक्ट में उसी का पॉइंट निकाला हुआ है और इससे हमने बाथरूम में पी ट्रफ लगाया है। दोस्तों ये हमारा किचन का जो पी ट्रफ है उसका कनेक्शन किया हुआ है, हमने किचन में पी ट्रफ लगाया है ठीक उसी प्लेन वाई से। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि एक दूसरा पाइप जो टॉयलेट से होते हुए बाहर आउटलेट निकलने वाला है, इस पाइप से हमने पूरा का पूरा आउटलेट निकाला है और इस पाइप को आगे ले जाके चेंबर के माध्यम से 6 इंच में कन्वर्ट करेंगे। और जो उस तरफ आप डक्ट में चेंबर देखे थे वहाँ पे हमने एक चेंबर बनाया, हम चेंबर एक बनाएंगे और उसी चेंबर से उसका आउटलेट निकालेंगे और आगे चल के 6 इंच का पाइप इसमें कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जिस साइड पर काम कर रहा हूँ वहाँ पर पूरी मस्ती चल रही है। यहाँ पे एक पंखा भी लगा हुआ है, थोड़ा सा आवाज़ स्लो करिए ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मैं जिस साइड पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत मस्ती चल रही है और जो हमारे वर्कर हैं और जो हमारे मकान मालिक हैं वो सब मिलकर पूरी मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे एक रूम में पंखा भी लगा हुआ है, बहुत ठंडी हवा चल रही है दोस्तों, और साथ ही साथ टीवी भी लगा हुआ है, पूरी मौज मस्ती हो रही है दोस्तों। थोड़ा साउंड बढ़ाइए गाने का, टिकट में साउंड बढ़ाइए। तो आइए दोस्तों आप भी मस्ती कर सकते हैं, मस्ती करना है तो आप मेरे साथ एंजॉय करिए, रोमांटिक गाना सुनिए और हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अरे थोड़ा मस्ती करके दिखाइए डिस्को डांस।